होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं हूँ जयपुर में, तो यहाँ से मैं जा रही हूँ हवा महल देखने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। जो भी न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आ गए हैं पिंक सिटी जयपुर। तो देख सकते हैं पिंक सिटी का खासियत ये है कि यहाँ पे ना आपको बोट दिखेगा नहीं, कहीं पे भी एक बोट दिखेगा नहीं। यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक से लिखा हुआ आपको दिखेगा हर जगह। और यहाँ का खूबसूरती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ का ये खासियत है कि बोट कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। और दुकान भी एक साइज में है, थोड़ा दम एक साइज में है लिखा हुआ रहेगा आपको। सो यही पिंक सिटी का खासियत है। और आपको पिंक भी, तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ हवा महल। तो देख सकते हैं आगे का कितना प्यारा दिख रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये आगे का है, तो अब हम सब पीछे जाएंगे हवा महल के अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ से दरवाज़ा है, तो देख सकते हैं दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा बड़ा है भी दरवाज़ा। पहले तो बहुत बड़े बड़े दरवाजा रहते थे ना। तो अब चलते हैं अंदर हवा महल के। तो यहाँ पे आ गए हम हवा महल। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करेंगे अपना। यहाँ पे मैं कुछ सेल्फी वगैरह ली थी और फ़ोटो शूट कराया था। और यहाँ पे से अब टिकट लेंगे और जाएंगे अंदर की ओर। तो सो गाइस यहाँ पे से अंदर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हम अंदर एंट्री कर गए। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था और यहाँ पे गाना बजाना हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। सो यहाँ से हम सब जा रहे हैं ऊपर। और ये रास्ता ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, तो आप सब देख सकते हैं। सो यहाँ से हम सब ऊपर जा रहे थे, तो आप सब देख ही सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा फ्लोर बना हुआ था ऊपर, और सब जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे हम सब आ गए थे ऊपर की ओर। तो हम नीचे हैं यहाँ पे। मैं सोची कि कुछ रील्स वगैरह शूट कर ले, पर हुआ नहीं। तो हम भी आ गए ऊपर। सो देख सकते हैं यहाँ पे था, यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूब सुंदर आपको लगेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ रील्स शूट की हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर चल रही है आदमी से आके देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए। सो देख सकते हैं अंदर की ओर कि यही है, अंदर में यही सब है। आपको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हो रही थी ये कठपुतली डांस, और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। वहाँ का ट्रेडिशनल है कठपुतली डांस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे शीशा लगाया गया था,
देख सकते हैं रंग बिरंग का शीशा यहाँ पे लगाया था, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे आके देखने के बाद ही आप सबको पता चलेगा यहाँ का खूबसूरती। और इधर इधर ही साइड भी लगा हुआ था रंग बिरंग का शीशा, तो देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे सिर्फ कितनी संख्या देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कठपुतली डांस देख के मज़ा आ गया था, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ गए ऊपर की ओर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ शॉट वगैरह बनाया था, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया मैंने यहाँ पे आके। सो गाइस इधर से भी ऊपर की ओर ही जा रहे हैं हम, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंजेस्टेड जगह है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं जाली जाली बनाया गया था, खिड़की आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, इसका अंदर का ये खासियत है। और यहाँ से हम सब ऊपर जाएंगे, और ये वाला देख रहे हैं ना पिलर, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, सो सकते हैं उसी समय में बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा था, मक्खन की तरह है। और यहाँ पे मैं कुछ रील्स वगैरह शूट की। तो गाइस यहाँ सबसे ऊपर का व्यू देख सकते हैं, सबसे ऊपर से मैंने व्यू लिया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था जयपुर, सो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी, उसके बाद भी मैंने हम सब ऊपर गए, ऊपर से सो सकते बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना यहाँ का व्यू, बहुत ही ज़्यादा मस्त था। जो वहाँ जाएंगे तो देखने को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, सबको देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पतला सा रास्ता बना था, यहाँ पर मैं रील्स वगैरह शूट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम पूरा ये था। सो गाइस यहाँ से चल रही है अब नीचे की ओर, अब हम चल जा रहे हैं नीचे। तो और यहाँ पे एक छोटू सा म्यूजियम था, उसके ही अंदर था म्यूजियम था, बहुत ही ज़्यादा आप सबको देख सकते हैं कंडीशनर चीज यहाँ पे रखा गया था, आपको देखने को मिलेगा, आप सब देखिए वीडियो में बने रहिएगा।
सो गाइस अब आते हैं यहाँ से निकलने के बारी। उसके बाद तो अब वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे शॉपिंग वगैरह मैंने करा, तो यहाँ पे एक शॉप का दुकान मिल गया था, तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग करा मैंने और सब लोग ने। तो यहाँ पे नीचे की ज्वेलरी ऊपर वगैरह चद्दर वगैरह मिल रहा था, तो कुछ शॉपिंग हम सबने करा। और उसके चलते यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल फूड से बनाया हुआ है ये कलर, और सिर्फ आपको फूलों से रंग बनाया गया है यहाँ पे हरे तरह से। उसके बाद हम सब आ गए यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाने के लिए, जो राजस्थानी ड्रेस पहन के फ़ोटोशूट मुझे कराने का मन था, तो हम सब आ गए यहाँ पे राजस्थानी लुक में। तो देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं हम सब, ये हमारी बिटिया रानी, ये हम यहाँ पे सब अपना अपना फ़ोटोशूट कराने में लगे हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने यहाँ पे सूट वगैरह भी करवाया, रेस वगैरह भी करवाया, यहाँ पे कोड़े भी थे। तो आप सब फुल वीडियो फुल वॉच कीजिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तक के लिए बाय बाय।